नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी फटाफट। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं यूपी की खबरों पर। बुलंदशहर में एक बुलेट सवार युवक का तमंचा लहराते वीडियो वायरल हुआ है। बुलेट पर पीछे बैठे युवक दोनों हाथों में तमंचा लेकर रास्ते पर घूमते नजर आए। पुलिस ने वीडियो के आधार पर तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। काशगंज में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर भवन स्वामी धरने पर बैठ गए और हाथों में पट्टियां लेकर प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताया है। वहीं धरने की सूचना पर एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। सुल्तानपुर में प्रयागराज की एसटीएफ टीम और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए कीमत के 1000 अवैध शराब पेटी को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व सांसद आजम खां पिछले कई महीनों से सीतापुर की जेल में बंद हैं। यूं तो उन पर पहले से ही करीब 100 केस दर्ज हो चुके हैं। अब उन्हें एक और नए मामले में नोटिस जारी की गई है। आजम खां को ये नोटिस सीतापुर जेल में मिली है। रामपुर के डीएम की ओर से 2 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस रखने को लेकर जारी किया गया है। चंदौली जिले में एक नहर में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव की सूचना पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और शव की पहचान करने का प्रयास किया। शव की पहचान न होने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शव के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा बैंक डकैती कांड में बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में बाइक खराब होने पर बदमाश बाइक को धक्का लगाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने में सदर चौक के इंचार्ज सहित मुख्य आरक्षी को भी निलंबित कर दिया है। चंदौली में कुछ युवकों द्वारा एक दुकानदार की पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 3 युवक दुकान के सामने आते दिखाई दे रहे हैं, जो दुकान के भीतर से दुकानदार को बाहर खींच कर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। महोबा में राम जानकी मंदिर से करोड़ों रुपए की अष्टधातु मूर्ति चोरी हो गई है और अभी तक मामले में कोई खुलासा नहीं होने पर मंदिर के पुजारी उपवास पर बैठ गए हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि जब तक भगवान की मूर्ति वापस नहीं लाई जाएगी तब तक वो उपवास रखेंगे। आगरा में औषधि विभाग की टीम ने एक किराना स्टोर पर ऑक्सीटॉन्सिल बिक्री की सूचना पर छापेमारी कार्रवाई की है, लेकिन किराना स्टोर पर पहुंची टीम को वहां पर कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद औषधि विभाग की टीम 2 अन्य दुकानों पर भी पहुंची, जहां पर टीम को ऑक्सीटॉन्सिन इंजेक्शन के डिब्बे मिले हैं, जिसके बाद टीम कार्रवाई में जुट गई है। मेरठ में किसान बिल के समर्थन में आयोजित किसान सभा को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा पहुंचे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान किसान बिल के बारे में जानकारी दी। शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर एक फर्जी लोन कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह सस्ते ब्याज दर पर लोन का झांसा देकर ग्राहकों से वसूली करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर उन लोगों को जेल भेज दिया है। यूपी फटाफट में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।